जुर्माना चाहिए आपको, आप बोलो आप अंदर भाई घर के अंदर आपने उल्टियाँ फेंक दिए मेरे घर के, जुर्माना बोलो, हम जुर्माना देने से आ रहे हैं, आप बोलो भाई जुर्माना क्या, हमारा टाइम वेस्ट किया तुम दूसरों के घर में आके उल्टी मारो, ये ठीक बात है ये, अब तुम दूसरे जुर्माना दोगे, हम गलती मान रहे हमारी, और धीरे कर भैया अंदर जा रही है तुम्हारी उल्टियाँ, और ये जो तुमने गंदाड़ा इधर है इसका क्या जुर्माना ले, मैम जो बोला बेटा जुर्माना तो हमने कहां को ले रहा, लेकिन तुम जो कर रहे हो ना वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। ये वीडियो धुंधला जरूर है लेकिन समाज के लिए एक बड़ा संदेश है, वो भूमि जो देव भूमि कहलाती है, वो भूमि जो वीर भूमि कहलाती है, उस भूमि का युवा, उस भूमि का भविष्य आखिर कहाँ जा रहा है, ये सोचने की, ये विचार करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि देव भूमि की जड़ों को नशे का कीड़ा खत्म कर रहा है, जरूरत है इन जड़ों को बचाने की, इन्हें सुरक्षित करने की, इन्हें समझाने की। वीडियो सोलन जिला के अर्की के वार्ड नंबर 7 का है। रविवार दोपहर एक घर में गेट फांदकर 3 युवक जिनकी उम्र करीब 16 से 17 वर्ष के बीच में रही होगी, वो एक घर में घुस जाते हैं और यहाँ नशा करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उस समय मकान में किराएदार मौजूद थे और मकान मालिक भी मौजूद थे, लेकिन घर के जिस हिस्से में वो घुसे थे वहाँ पर उस समय कोई भी मौजूद नहीं था। नशे में धुत होने के बाद जब युवकों की हुड़दंग शुरू हुई तो आसपास के कमरों में मौजूद किराएदारों को आवाज आने पर शक होता है, वे मकान मालिक को फोन करते हैं। जब मकान मालिक मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 3 युवक इस कदर नशे में धुत थे कि उन्होंने पूरा फर्श उल्टियों से भर दिया था। व्यक्ति को देखते ही तीनों युवक वहां से भाग खड़े होते हैं, इनमें से 2 युवक गेट फांदकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, जबकि तीसरा युवक मौके से नहीं भाग पाता। उसे कहा जाता है कि उसने जो गंदगी फैलाई है उसे साफ करनी होगी। हालांकि युवक अपनी गलती को स्वीकारते हुए गंदगी साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब होती है। जब उससे उसके परिजनों के बारे में पूछा जाता है तो वो टाल मटोल करने लगता है। जब किराएदार भी बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जो कपड़े उन्होंने सुखाने के लिए डाले थे वो इन हुड़दंगबाजों ने इधर उधर फेंक दिए थे। युवकों को सबक सिखाने के मकसद से स्थानीय पुलिस को मामले की सूचना दी गई। करीब 10 मिनट बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ ले गई। वीडियो को दिखाने का मकसद किसी के बच्चों को बदनाम करना नहीं, और इसीलिए हम इन बच्चों की पहचान भी आपको नहीं बता रहे। इनकी पहचान कल को आपके बच्चों, आपके बेटों, आपके भाइयों के तौर पर भी हो सकती है, इसीलिए जरूरत है जागरूक होने की, युवाओं को सही राह दिखाने की। हिमाचल जैसी शांत प्रिय जगह पर इस तरह की छोटी छोटी घटनाएं बड़ी वारदातों में तब्दील होने में समय नहीं लगता, और ऐसी कई वारदातें आए दिन सुनने को मिल रही हैं। वीडियो को दिखाने का मकसद ये भी है कि युवा पीढ़ी को बचाने का जिम्मा उनके माता पिता, उनके परिवारजन और हम सब का भी है, क्योंकि यही युवा हमारे हिमाचल का भविष्य है। साथ ही युवाओं को ये समझने और समझाने की जरूरत है कि नशा उन्हें न खुशी देगा न नौकरी, उन्हें लोग घृणा भरी नजरों से देखेंगे, भविष्य बनाने की इस उम्र में वो अपराधी बन सकते हैं और अपने साथ साथ अपने परिवार का भी नाम डुबाएंगे। नशे के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है, पुलिस कहीं 10 ग्राम कहीं 100 ग्राम चरस गांजा पकड़ने के अलावा कुछ खास नहीं कर पाती। जरूरत है इन बच्चों को गलत संगत और गलत लोगों से बचाने की, इन युवाओं को समाज में बैठे चंद लोग गुमराह कर रहे हैं। जरूरत है हिमाचल के भविष्य को सही राह दिखाने की। जब दूसरों का बच्चा नशा करता हुआ दिखता है तो उस परिवार पर हंसने से ज्यादा जरूरत है खुद के बच्चों को समझाने की, उन्हें सही दिशा दिखाने की, क्योंकि जो पड़ोस का बच्चा कर रहा है वो कल को आपका बच्चा भी कर सकता है। इसीलिए दूसरों की स्थिति का मजाक बनाने से अच्छा है कि नशे के खात्मे के लिए युवाओं को समझा जाए और उन्हें प्यार से समझाया जाए। फादर का नंबर मैंने आपको दे दिया है, अब आप चाहे जिस मर्जी से बात करो, मैं आपके कल अपने पापा को लेके आऊंगा, तब आप उनसे बात करो। ये साफ कर, मैं कर रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, आपने जुर्माना।